नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग रेबेलियन एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में। अकबर ने जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट किया था, उसमें आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को उसने टाइट किया, नॉबल्स के ऊपर उसने अपना कंट्रोल बनाया। डेफिनेटली उसने नॉबल्स को इंडिपेंडेंस भी दी, बट अल्टीमेट अथॉरिटी अकबर की थी। अकबर की अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। अकबर ग्राउंड लेवल पे लोगों के इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होता था, लोगों के साथ सही तरीके से चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं इसको अकबर देखता था। अकबर कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई नॉबल लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा हो। तो लोगों को मैनेज करने वाली जो नॉबल्स की पॉलिसी थी, अगर वो नॉबल की पॉलिसी एक्सप्लॉयटेशनिस्ट है, क्रूड है, तो अकबर वहाँ पर इंटरवीन करके लोगों को बचाएगा। और ये सब बातें नॉबल्स को पसंद नहीं आती थी। और रीजनल इंडिपेंडेंस की सेंटिमेंट तो देखो हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। उस समय पे हमारा भारत देश को ये पूरा देश है ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। तो उससे होता ये था कि अलग अलग राजे रजवाड़े हमेशा अपनी इंडिपेंडेंस ढूंढते रहते थे। रीजनल इंडिपेंडेंस के सेंटिमेंट हमेशा डोमिनेंट रहते थे। चाहे फिर आप गुजरात की बात कर लो, बंगाल की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, हर जगह पे आप कह सकते हो कि रीजनल इंडिपेंडेंस के सपने लोगों के अंदर थे। जब तक मुगल एम्पायर बहुत ताकतवर था, कोई अपना सर नहीं उठाता था, जैसे मौका मिलेगा सर उठाएंगे। फिर आप देखोगे कि ये अम्पायर्स बहुत लंबे समय से इंडिपेंडेंट किंगडम भी रहे थे। गुजरात बहादुर शाह के अंदर, बिहार और बंगाल अफगानों के अंदर, उससे पहले दिल्ली सल्तनत का एक गवर्नर हुआ करता था, ये सब मैंने पहले पढ़ाया। तो ये लंबे समय तक इंडिपेंडेंट रहे थे। अब ये सब मुगल अम्पायर की सुजरेनिटी के अंदर आ गए थे, तो इनको खल रहा था, ये इंडिपेंडेंस चाहते थे। उसके साथ साथ आप देखोगे कि राजस्थान में राणा प्रताप का स्ट्रगल चल रहा था, और राणा प्रताप बहुत लंबे समय तक अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेक रहे थे। तो इन सब चीज़ों में अकबर को अपना एक्सपेंशन भी करता था, कंसोलिडेशन भी करना था। और कंसोलिडेशन में रेबेलियन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर रेबेलियन हो गया और कोई एक राज आपके यहाँ से निकल गया, फिर कहेगा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब आप अपने राजपाट को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे बड़े सख्त तरीके से लागू कर रहे हो। तो रेबेलियन हो गया तो फिर क्या लागू करोगे, समझ गए? आप देखोगे कि गुजरात में जब रेबेलियन हुआ, गुजरात 2 साल तक अनरेस्ट में रहा। ओके, फिर पिछली मतलब मुगलों से पहले जो डायनेस्टी थी गुजरात की, वहाँ का एक रीलन रेबेलियन किया था और वो मुगलों से आज़ादी चाहता था। जो सबसे सीरियस रेबेलियन हुआ है एक समय पे आपका मुगल शासक अकबर के दौरान पे, वो था बंगाल और बिहार में, जो कि जौनपुर यानी कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश तक ये रेबेलियन फैल गया था। ओके, ये रेबेलियन क्यों फैला था? मेन कॉज था स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द दाग सिस्टम और ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेज बाय द जागीरदार्स एंड स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग ऑफ देयर नॉब्स। तो भाई जागीरदारों में हॉर्सेस की ब्रांडिंग और दाग सिस्टम। दाग सिस्टम में मतलब क्या होता है, चेहरा वगैरह, डिस्क्रिप्टिव रोल सोल्जर्स का, हॉर्स कौन से खरीद रहे हो, कौन से नहीं खरीद रहे हो, अच्छी ब्रीड के हैं या नहीं है, तुमने कितने पैसे कमाए, तुम्हारे पास कितना रेवेन्यू आया, तुमने कितना खर्चा किया, इसकी अकाउंटिंग लगातार मुगल ऑफिशियल्स करते थे। ये सब चीज़ इनको पसंद नहीं आती थी, तो वो यहाँ पे मुगल अंपायर के अगेंस्ट बवाल कर देंगे। फिर आगे देखिए, द डिसकंटेंट वॉज फैंड बाई सम रिलीजियस डिवाइंस हुवर अनहैप्पी एट अकबर्स लिबरल व्यूज एंड हिज पॉलिसी ऑफ रिज्यूमिंग द लार्ज रेवेन्यू फ्री ग्राउंड्स ऑफ लैंड हैड बीन ऑब्टेन्ड बाय देम समटाइम्स इलीगली। मतलब होता ये था कि पहली बात तो अकबर की पॉलिसी रिलीजियस नहीं थी, वो उलामा और धर्म गुरु की बात सुनता नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन और धर्म को बिल्कुल सेपरेट कर रखा था अकबर में। एक तो इस बात में धर्म गुरु नाराज थे, दूसरा बहुत सारी ऐसी जमीन थी जो इन धर्म गुरुओं के पास थी, वो अकबर वापस ले रहा था। अगर कोई जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन करना भी है, इनामदारी वाला पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना भी है, तो वो मुस्लिम्स को भी दिया जाएगा, हिंदूज को भी दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के चलते जो धर्म गुरु थे ये अकबर से नाराज थे और अकबर के खिलाफ शासकों को, लोगों को भड़का रहे थे। मिर्ज़ा हकीम नाम का जो काबुल का राजा था, उसने भी यहाँ पे रेबेलियन कर दिया और उसका ये टारगेट था कि पंजाब में अटैक करके लाहौर वगैरह के इलाके को कब्जा लो। आपको पता होना चाहिए लाहौर में 12 साल रहना पड़ा अकबर को रेबेलियन दबाने के लिए। फिर जो बिहार बंगाल का इलाका था, यहाँ पे अफगान्स भी नाराज थे, पहले वो उस इलाके में राज में थे, फिर हटा दिए गए थे। तो रेबेलियन साइमल्टेनियसली बहुत सी जगहों पे अकबर के सामने आए, ईस्टर्न इंडिया में आए, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्ट में भी आए। जो पंजाब प्रेसिडेंट डे पाकिस्तान का इलाका था और अफगानिस्तान का इलाका था जो कि अकबर के शासन के अंदर था, वो भी एक समय पर खतरे में चला गया था। इस रेबेलियन के चलते 1580 और 1581 में अकबर काफ़ी बिजी रहा। ओवरऑल बंगाल में और बिहार में कुछ मिस हैंडलिंग हो गई लोकल मुगल गवर्नर से, उसके चलते पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि बिहार और बंगाल, बंगाल तो पूरा ही निकल गया और एक बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा आपका
मुगलों के हाथों से निकल गया और उन्होंने मिर्जा हकीम को अपना रूलर बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रिलीजियस डिवाइंस थे जो कि अकबर से चिड़े हुए थे, उन्होंने अकबर के अगेंस्ट एक फतवा जारी कर दिया कि सब लोग अकबर के अगेंस्ट खड़े कर दो, ये काफिरों के साथ काम करता है। तो कुल मिला के अकबर के खिलाफ साजिश यहाँ पे पैरेलली बहुत जगहों पे सक्सेसफुल होती नजर आ रही थी, लेकिन अकबर ने यहाँ पे अपना पेशेंस नहीं खोया। सबसे पहले अकबर ने एक फोर्स को डिस्पैच किया अंडर टोडरमल। टोडरमल के अंडर वाली फोर्स बिहार के अगेंस्ट डिस्पैच की किसने? अकबर ने, ओके। और राजा मानसिंह के अंदर एक जो फोर्स थी उसने मिर्जा हकीम के पास भेजी। तो अलग अलग डोमेन्स में अपने अलग अलग कमांडर्स के थ्रू ओवरऑल रेबेलियन को क्रश करने के लिए अकबर ने फोर्सेस को भेजी। टोडरमल ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे एक्ट किया। एक बात बता दूं, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मिर्जा हकीम जो था ना वो काबुल का राजा था और उसका टारगेट था पंजाबी, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान का इलाका है, इसको भी कब्जा लो। जब बंगाल और बिहार में रेबेलियन हुआ ना, तो बंगाल और बिहार के जो रेबल्स थे ना वो अकबर के अगेंस्ट लड़ रहे थे और उनको पता था बंगाल बिहार वालों को कि काबुल में और पाकिस्तान के आसपास ही मिर्जा हकीम अकबर को टक्कर दे रहा है। तो उन्होंने वहां बैठे बैठे ही मिर्जा हकीम को अपना राजा डिक्लेयर कर दिया। मिर्जा हकीम काबुल और नॉर्थ वेस्ट के इलाके में एक्टिव है, लेकिन बिहार और बंगाल में जो रेबेलियन हो रहा है वो मिर्जा हकीम के नाम पर हो रहा है। चूंकि अगर आप राजा की राजशाही को हटा रहे हो तो उसकी जगह किसी को तो राजा मानोगे ना, तो मिर्जा हकीम को राजा मान लिया कि उन्होंने इन आपके बंगाल और बिहार वालों ने। तो एक फोर्स भेजनी थी ईस्ट की तरफ। अब समझिए, ये रहा आपका इंडिया, इधर है आपका बंगाल, इधर है बिहार, इधर चले जाइए तो आ जाएगा काबुल, इस तरफ आ जाओगे पाकिस्तान। तो यहाँ पे मिर्जा हकीम है, ये कर रहा है रेबेलियन, इस तरफ बंगाल और बिहार वाले कर रहे हैं, वो मिर्जा हकीम को अपना राजा बोल रहे हैं, बीच में अकबर बैठा है आगरा में। तो आगरा में दो फोर्सेस भेजी, एक तो उसने टोडरमल को भेजा, ठीक है। टोडरमल वाली जो फोर्स थी वो किसके अगेंस्ट भेजी गई? तो भेजी गई बिहार और बंगाल के अगेंस्ट। और दूसरी राजा मानसिंह के अंदर जो फोर्स थी वो भेजी गई मिर्जा हकीम के अगेंस्ट। तो एक ईस्ट भेजी गई मिलिट्री टुकड़ी और एक वेस्ट भेजी गई। अकबर तुगलक नहीं था कि हर जगह खुद ही दौड़ता हुआ पहुंच जाए, वो अपने ट्रस्टेड वजीर को भेजता था लड़ने के लिए, ओके। तो यहाँ पे टोडरमल वगैरह आगे बढ़े, सिचुएशन को ईस्ट में उन्होंने एसेस किया, ठीक है। वहीं पे मिर्जा हकीम जब लाहौर के ऊपर अटैक कर रहा था 15,000 हॉर्सेस के साथ, तो उसको रोकने के लिए राजा मानसिंह और भगवंत दास वहां पे खड़े हुए थे, ठीक है। मिर्जा हकीम को लगा कि पंजाब में रहने वाले जो भी लोग हैं, जो भी नॉबल्स हैं, वो अकबर के खिलाफ रेबेलियन कर देंगे, बगावत कर देंगे और मिर्जा हकीम को ज्वाइन कर लेंगे। बट एक्चुअली में यहाँ पे हुआ नहीं, लाहौर में अपनी फोर्सेस को बहुत हद तक कंसोलिडेट कर रखा था अकबर ने। अकबर के पास लाहौर में 50,000 घोड़ों की एक वेल डिसिप्लिन फोर्स थी। मिर्जा हकीम लाहौर पे कब्जा कर ही नहीं पाया, पंजाब यानी प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाले इलाके में वो कब्जा कर ही नहीं पाया। ओवरऑल अफगानिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में वो लिमिटेड रहा और आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि टोडरमल भगवंत दास वहां पहुंच चुके थे और एक जबरदस्त मुगल रेजिस्टेंस आ रहा था, ओके। फिर आप देखो, फिर अकबर की जो फोर्सेज हैं वो चलेंगे किसकी तरफ? काबुल की तरफ। 1581 में काबुल में कौन बैठा है? मिर्जा हकीम बैठा है। मिर्जा हकीम ने ही क्या किया है? अकबर के अगेंस्ट बगावत की। मिर्जा हकीम ने अकबर की सुजरैनिटी को मानने से मना कर दिया, ना ही उसने ये बोला कि मैं पर्सनल एलिजियंस दूंगा, ओके। इस समय पे क्या है कि जो मुगल आप कह सकते हो कंसोलिडेशन था या जो मुगल मार्च थी नॉर्थ वेस्ट की तरफ पे, इस समय पे कुछ नॉबल्स यहाँ पे थोड़ा परेशान भी होने लगे थे, ओके। और अब देखिए, मिर्जा हकीम का कोई चांस नहीं था अकबर के अगेंस्ट। उसने भले ही यहाँ पे रेबेलियन कर दिया था, लेकिन जब अकबर की फोर्सेस पहुंची भगवान दास के साथ और मानसिंह के अंदर, और अकबर खुद 12 साल लाहौर में रहा था, तो एक समय के बाद काबुल भी पूरा पूरा अकबर के अंदर ही आना था। लेकिन अब एक्चुअली में काबुल पे सीधे सीधे मुगल रूल होना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप समझिए अफगानिस्तान की पॉलिटी मैंने आपको बताया कि ट्राइबल आइडेंटिटी पे बेस्ड होती है, और ट्राइबल आइडेंटिटी की जो बेस्ड पॉलिटिक्स है ना, वो किसी सेंट्रलाइज रूल को जल्दी मानते नहीं है। खासकर जो अफगान सरदार से ये तो कतई नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे अकबर को समझ में आया कि भाई ये लंबे समय तक तो मेरे राज के अंदर रहेंगे नहीं। तो अकबर ने क्या किया कि भाई एक वुमेन जो थी, अकबर की जो बहन थी, उसको उसने वहाँ पे काबुल में इंचार्ज रख दिया। अच्छा, ये चीज़ एक सीरियल आता था ना आपका, जोधा अकबर करके, हालांकि इस प्रकार की सीरीज में सिर्फ फर्जीवाड़ा ही दिखाते हैं, बट वहाँ पे भी अकबर की बहन को दिखा रखा है। तो अकबर की बहन नॉर्थ वेस्ट जो काबुल वगैरह इलाका था वहाँ पे एक्टिव थी, हालांकि इन सीरियल से कुछ भी मैं सीखेगा, वहाँ पे सब फालतू की बकवास ही दिखाई जाती है, ठीक है। शहनशाह और रानी घूम रहे हैं हाथ में फूल लिए, शहनशाह के पास शायद कभी टाइम भी नहीं होता होगा किसी के साथ घूमने के लिए,
खैर वो एक अलग बात है। तो भाई अकबर ने नॉर्थ वेस्ट में काबुल में जीतने के बाद, मिर्ज़ा हकीम को एलिमिनेट करने के बाद, अपनी बहन को उस गद्दी पर बैठाया। इससे पता चलता है कि अकबर बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड था और लिबरल था अपनी अप्रोच में। ओके, एक और ख़ास बात थी, अकबर की जो यहाँ पे जीत थी ना इन रेबेलियंस में, वो अकबर की पर्सनल जीत के साथ साथ उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जीत भी थी। एक्चुअली में अकबर ने जो सिस्टम यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था, एक सेक्युलर सिस्टम जहाँ पे उसने हर धर्म के लोगों को इम्पोर्टेंस वैल्यू दी थी, ओवरऑल किसी को ज़्यादा सप्रेस नहीं किया था, सबको इज्जत से रखा था, उसके चलते अकबर के पास सपोर्ट था एक बड़ी ज़बरदस्त वॉरियर ट्राइब राजपूतों का, और उसी ट्राइब के दम पे वो यहाँ पे इस प्रकार के रेबेलियंस को दबा पा रहा था। फिर आप देखोगे कि अकबर कुछ हद तक डेक्कन की पॉलिटिक्स में भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड होता लग रहा था, लेकिन डेक्कन में इन्वॉल्व होने से पहले ही नॉर्थ ईस्ट में चीज़ें फिर से बदल रही थी। अब्दुल्ला खान उज़्बेक नाम का एक रूलर था जो कि मुगल्स का हेरिडेटरी एनिमी था, वो सेंट्रल एशिया में अपनी ताकत जुटा रहा था। 1584 में उसने बदख्शान नाम की जो जगह अफगानिस्तान में, वहाँ पर कब्जा किया, जो इसको तिमुरिद स्वराज करते थे। काबुल अगला था लिस्ट में। मिर्ज़ा हकीम और जो बाकी तिमुरिद प्रिंसेस थे उनको बदख्शान से ऑलरेडी निकाल चुका था कौन, अब्दुल्ला खान उज़्बेक। ये भागे भागे पहुँचे अकबर के पास। अच्छा, अकबर को ये बात मालूम थी कि भैया एक समय के बाद ही जो अब्दुल्ला खान उज़्बेक हैं वो अकबर के इलाके में घुसेगा, तो कैसे ना कैसे करके इस प्रॉब्लम को तो देखो अकबर को यहाँ पे सॉल्व करना ही था। तो यहाँ पे अकबर ने फिर से अपने जो ट्रस्टेड जनरल मानसिंह को बोला कि तुम काबुल की तरफ कूच करो, और खुद अकबर अटॉक की तरफ गया। अटॉक इस समय पे पाकिस्तान में। ओवरऑल आप देखो तो उज़्बेक्स की जो भी रोड्स थी कश्मीर जाने वाली, ठीक है ना, और बलूचिस्तान पहुँचने वाली, इसको अकबर ने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, एक और बात, ये जो कश्मीर का पूरा इलाका है प्रेजेंट डे का, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान भी आता है, उस समय बल्तिस्तान को तिब्बत खुर्द या तिब्बत बुजुर्ग भी कहा जाता था। तो लद्दाख, बल्तिस्तान, कश्मीर, ये सब कुछ यहाँ पे मुगल डोमिनेशन के अंदर आ गया। ओके, और अकबर के बेटे सलीम के साथ शादी होगी किसकी, बल्तिस्तान का जो चीफ था उसकी बेटी की। ओके, एक्सपेडिशन भेजे गए, दे वर सेंट टू क्लियर द खाइबर पास विच हैड बीन ब्लॉक्ड बाय रेबेलियस ट्रांसमिशन। इन एक्सपेडिशन अगेंस्ट देम राजा बीरबल द फेवरेट ऑफ अकबर लॉस्ट हिज लाइफ। तो जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया में जो गिलगित बल्तिस्तान पास करके आप जैसे पाकिस्तान में एंट्री मारोगे ना, तो खाइबर पख्तून वाला प्रोविंस आती है। खाइबर पख्तून वाला प्रोविंस में हो ये रहा था कि कुछ रेबेलियस ट्राइब्समैन थे जो कि अकबर के आने वाले जो ट्रेड आप कह सकते हैं घोड़े थे या जो कॉमर्स के शिपमेंट्स थे उनको ब्लॉक करते थे। तो ओवरऑल इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अकबर ने अपने ट्रस्टेड जनरल्स को भेजा, जिसमें राजा बीरबल थे, इसमें राजा बीरबल की जान चली गई। लेकिन धीरे धीरे कहोगे कि इस इलाके में अफगान ट्राइब्समैन को यहाँ पे सबमिट करने के लिए मजबूर कर दिया अकबर ने। अकबर ने नॉर्थ वेस्ट का प्रॉपर तरीके से कंसोलिडेशन किया, एक साइंटिफिक फ्रंटियर बनाया। सिंध अकबर के कंट्रोल में आ चुका था 1590 में, और सिंध की प्रोविंस बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ट्रेड के पर्सपेक्टिव से सिंध काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 1598 तक अकबर यहाँ पे लाहौर में रहा, बहुत लंबे समय तक अकबर लाहौर में रहेगा, और फाइनली जब उस अब्दुल्ला उज़्बेक की मृत्यु हो जाएगी तब उज़्बेक्स की तरफ से जो खतरा था मुगल अंपायर को वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद आप 1598 के बाद फिर आप किसकी तरफ देखेगा, डेक्कन की तरफ देखेगा आपका अकबर और वेस्टर्न इंडिया की तरफ। मतलब ये जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला डोमेन था ना, इसने अकबर को बहुत लंबे समय तक बिजी रखा है। अकबर ने बहुत मुश्किल से इस नॉर्थ वेस्ट वाले डोमेन में अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया। फाइनली अब डेक्कन की तरफ और वेस्टर्न इंडिया की तरफ ध्यान जाएगा अकबर का। उस समय पे जो ओडिशा नाम की जगह थी ना, ये अफगान चीफ्स के अंडर था, तो ओडिशा के ऊपर सबसे पहले कब्जा किया अकबर के राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह मुगल गवर्नर थे बंगाल के, तो बंगाल से थोड़ा और साउथ की तरफ गए, ओडिशा की तरफ गए और जाके ओडिशा के ऊपर कब्जा कर लिया। मानसिंह ने कूच बिहार पे भी कब्जा किया, ईस्ट बंगाल जिसमें ढाका आज की डेट का जो ढाका है वहाँ पे भी कब्जा किया। फिर अगर आप बात करो मिर्ज़ा अजीज़ कोका, मानसिंह के पास 7000 की मंसबदारी थी, उसके साथ साथ मिर्ज़ा अजीज़ कोका के पास भी 7000 की मंसबदारी थी। इन्होंने वेस्ट में जो गुजरात का काठियावाड़ का इलाका है जिसको कब्जा किया। ओके, प्रिंस मुराद के साथ डेक्कन में डिप्यूट किया अकबर ने किसको, खाने खानम मुनीम खान को। अब डेक्कन का जो डेवलपमेंट है, किस प्रकार से अकबर की एंट्री होगी, मुगलों की एंट्री होगी डेक्कन में, यह हम अगले चैप्टर में समझने वाले हैं। एक्चुअली में डेक्कन में क्या मुगल एम्पायर का डोमिनेशन रहा है, कैसे मुगल घुसे, कैसे मराठा इनिशियल फेज में डोमिनेंट हुए, ये सब कुछ एक डिफरेंट चैप्टर में बताया गया जो कि जस्ट नेप चैप्टर है। उसमें हम लोग ढंग से देखेंगे कि मुगल्स की एंट्री कैसे हुई डेक्कन में, डेक्कन में पॉलिटिक्स किस हिसाब से काम कर रही थी।
लेकिन अगर आप देखोगे तो बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी 16वीं शताब्दी खत्म होते होते नॉर्थ इंडिया का प्रॉपर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो चुका था मुगल्स के अंदर एंड अकबर वॉज द अनडिस्प्यूटेड रूलर है, ठीक है ना। और इस कल्चरल मतलब इस पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के साथ साथ कल्चरल और इमोशनल इंटीग्रेशन भी हुआ था लोगों ने। अकबर ने लोगों के लिए काम किया था, ओवरऑल लोग अकबर को अपना राजा समझते थे, उसकी इज्जत करते थे। और एक राजा के लिए सबसे बड़ी बात यही हो सकती है कि उसकी जनता उसकी इज्जत करे। यहाँ पे एक मैप दे रखा है और इस मैप में जो रिलेटिव लोकेशंस है इनको थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे आपको ये लोकेशंस याद आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कश्मीर श्रीनगर, ये गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका था, यहाँ पे वो खैबर पख्तून वाला प्रोविंस है आपकी पाकिस्तान की। इधर लाहौर है, मुल्तान, ओवरऑल नीचे आ जाएंगे दिल्ली, अवध, अलाहाबाद, इधर है बिहार, यहाँ पे है आपका बांग्लादेश जिसको आप बंगाल बोलते हो आज की डेट में, मालवा, नीचे की तरफ बेरार, अच्छा खांडेश, बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, विजयनगर, विजयनगर यहाँ, गोलकोंडा यहाँ, बिदार यहाँ, अहमदनगर यहाँ, बीजापुर यहाँ, बेरार यहाँ, खांडेश यहाँ, अहमदनगर उस जस्ट उसके नीचे है। ये सब लोकेशंस याद रखिए, गुजरात तो खैर आपको याद ही रहेगी। ये लोकेशंस क्यों याद रखनी, चूँकि इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट वाली जो वीडियो में हम लोग डेक्कन शुरू करेंगे ना तो ये नक्शा थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे आपको नक्शा दिखा दिया। गॉट इट? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगले वीडियो में देखेंगे इंटीग्रेशन, स्टेट रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। और अगली वीडियो के बाद मोस्ट प्रॉब्ली कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर नाम का जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर के बिना मत जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ चैनल को शेयर करें, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गुड बाय।